सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वीरवार 19 मार्च को संसद में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 19 मार्च को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। सोमवार 16 मार्च को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया। हालांकि इसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में से वॉकआउट किया था। सेक्रेटरी जनरल प्लीज, नो, दिस नॉट द वे, प्लीज, नो, प्लीज, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, सिट डाउन, प्लीज, वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर। रंजन गोगोई हैविंग बीन नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी and integrity of India and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Nothing will go on record except what has been permitted by the chair. We must all be aware. We know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the house. बीजेपी के पूर्व सीनियर नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पूर्व न्यायाधीशों के नए पदों की नियुक्ति के बारे में क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। Kindly review that unless it's absolutely essential, either some of these tribunals must be subsumed into the judicial setup. Pay the judges who have retired and retired judges a pension equal to their last drawn pay. Because the danger is greater, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. And once it influences pre-retirement judgments, it adversely impacts on the functioning of our judiciary itself. जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने टाइम में कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए। इसमें राम मंदिर सबसे प्रमुख था। राम मंदिर पर फैसला देते हुए उन्होंने अयोध्या की विवादित जमीन को रामलीला विराजमान को देना और मुस्लिम पक्षकार सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या से अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। इसके अलावा असम में NRC का मामला, रफेल डील, सबरीमाला मंदिर, सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी जैसे मामलों पर फैसले दिए थे। रंजन गोगोई अपने समय में काफी विवादित रहे हैं। चीफ जस्टिस रहते हुए रंजन गोगोई पर यौन शोषण का मामले पर भी आरोप लग चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर 35 वर्षीय महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यौन शोषण के इस मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल 2019 को विशेष बेंच का गठन किया था। इस बेंच में खुद रंजन गोगोई, अरुण मित्र तथा संजीव खन्ना शामिल थे। इस बेंच ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत करार दिया और आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान पीठ ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास है। उनके पुराने साथियों ने भी उनका राज्यसभा में जाने के फैसले पर काफी आलोचना की है। द इंडियन एक्सप्रेस में जस्टिस लोकुर ने कहा, कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि जस्टिस गोगोई को क्या सम्मान मिलेगा, तो ऐसे में उनका नामांकन आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जो आश्चर्य की बात है वह ये है कि ये फैसला इतनी जल्दी आ गया। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्ठा और अखंडता को फिर से परिभाषित करता है। क्या आखिरी किला भी ढह गया है? जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकन की स्वीकृति में निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आम आदमी के विश्वास को हिला दिया है। जस्टिस गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर नेक सिद्धांतों से समझौता किया है। रंजन गोगोई को नामित किए जाने पर विपक्ष ने भी काफी सवाल खड़े किए हैं। AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और कहा, क्या ये इनाम है? लोगों को जजों की स्वतंत्रता में यकीन कैसे रहेगा? कई सवाल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने के बाद सिन्हा ने ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि पूर्व CJI रंजन गोगोई
इस राज्यसभा सीट की पेशकश को ना कहने की समझ रखते हैं, अन्यथा वे जुडिशरी की छवि को बेहिसाब नुकसान पहुंचाएंगे। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी रंजन गोगोई पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मैं 20 सालों तक वकील रहा और 20 तक जज रहा। मैंने कई अच्छे जजों और कई बुरे जजों को जाना है, लेकिन मैं भारतीय न्यायपालिका में किसी भी न्यायाधीश को इस यौन विकृत रंजन गोगोई जितना बेशरम और अपमानजनक नहीं मानता। शायद ही कोई दोष है जो इस आदमी में नहीं था। ये मानते हैं कि जो आपका एक संबंध लिंक नेक्सस हो सकता है वो 2 वर्ष में टूट जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिए 9, 6 और 6 वर्षों के। इस उदाहरण में जो आज हुआ है, कल हुआ है, इसमें कितना अवकाश है? 4 महीने। एक राज्यपाल की नियुक्ति की थी आप ही ने कुछ वर्ष पहले, और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने एक मूल ढांचे की तरफ, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की तरफ एक बहुत बड़ा आघात किया है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपने अपने खुद के लोगों की बात नहीं मानी, भारत की विरासत और लेगेसी को इग्नोर किया, 70 साल का एक जो नियम है उसका बड़े बेशर्मी से उल्लंघन किया। और मैंने खुद ने अभी कुछ समय आर्टिकल में लिखा था कि देयर हैज बीन इन कोर्ट्स अ टेंडेंसी टू अवॉइड मैटर्स और एडजर्न देम व्हेन इट ट्रूली मैटर्स। माय फियर इज दैट द जुडिशरी हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एंड द फियरलेसनेस दैट इट नीड्स टू चेक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। आपने क्या इस दिशा में एक और बड़ा प्रहार नहीं किया है दुष्प्रभाव वाला? ये प्रश्न कांग्रेस पूछ रही है, देश पूछ रहा है। पूर्व न्यायाधीश ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। करीब 13 महीने तक चीफ जस्टिस रहे जस्टिस गोगोई पिछले वर्ष नवंबर में रिटायर हुए थे। देश के पूर्वोत्तर इलाके से आने वाले वे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे गुवाहाटी हाईकोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहे। अप्रैल 2012 में जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस गोगोई उन जजों में भी शामिल थे जिन्होंने इस साल की शुरुआत में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा खोला था। इन जजों में जस्टिस रिटायर्ड जे चमलेश्वर, जस्टिस एम बी लोकर, जस्टिस कोरियन जोसेफ भी शामिल थे। इन चारों जजों ने मिलकर चीफ जस्टिस पर केस आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था और लोकतंत्र को खतरे में बताया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा पर काफी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।